वर्ष 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 64 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का दुनिया में पांचवा स्थान रहा है। ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों पर काफी गहरा था, लेकिन मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए उम्मीद पैदा करते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि वैश्विक FDI प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये 2020 में 35% गिरकर 1500 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 1000 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। तो वहीं भारत में FDI 2020 में 27% से बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण से भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत से ज्यादा FDI प्राप्तकर्ता देश अमेरिका 156 अरब अमेरिकी डॉलर, चीन 149 अरब अमेरिकी डॉलर, हांगकांग 119 अरब अमेरिकी डॉलर और सिंगापुर 91 अरब अमेरिकी डॉलर है।